देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। मनीषा रानी और एल्विश यादव के बीच चल रही लड़ाई काफी चर्चा में बनी हुई है। मनीषा रानी के ब्लॉग शेयर करने के बाद अब यूट्यूबर एल्विश यादव ने भी ब्लॉग शेयर किया है। आइए बताते हैं उन्होंने अपने ब्लॉग में क्या कहा। दरअसल बिग बॉस ओटीटी 2 में मनीषा रानी और एल्विश यादव काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और आए दिन दोनों किसी न किसी वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था, जिसका कारण बताते हुए मनीषा रानी ने एक ब्लॉग भी शेयर किया था। मनीषा ने ब्लॉग में कहा, एल्विश और मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में कोलैबोरेशन किया था, लेकिन एल्विश ने उसके कवर फोटो पे अपनी और उनकी फोटो के बजाय अपनी और अक्षय कुमार की फोटो लगा दी थी। इसके बाद मेरे मैनेजर ने कई बार उनके टीम से कवर फोटो बदलने की बात कही, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने उन्हें अनफॉलो कर दिया था। अब मनीषा रानी के ब्लॉग पर तगड़ा जवाब देते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए एल्विश यादव ने भी एक ब्लॉग शेयर किया है। एल्विश अपने ब्लॉग में कहते हैं कि कई दिनों से मेरे और मनीषा के बीच चल रही अनबन से फैंस भी काफी नाराज हैं और अब एक दूसरे के फैंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मनीषा रानी ने अपने ब्लॉग में ये इल्जाम लगाया कि मेरे टीम ने कवर फोटो नहीं बदला। एल्विश कहते हैं कि उनके मैनेजर ने मेरे टीम को काफी परेशान किया, रात के 1 बजे भी कॉल करके बोलते थे कि कवर फोटो चेंज करो। मेरी टीम ने कवर फोटो चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार कवर फोटो लग जाने के बाद वह उसे बदलने में नाकामयाब रहे। इसके आगे एल्विश ने कहा, बच्चों जैसी हरकतें बंद करो, कोई यहाँ किसी गंभीर मुद्दे में फंसा है और इन्हें कवर फोटो की पड़ी है। एल्विश यादव की इस बयानबाजी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।